सब्सक्राइब कीजिए नेहरा क्लासेस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलते रहें। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेहरा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त विकास नेहरा। दोस्तों, हमने पाइथागोरस थ्योरम को न जाने कितनी ही बार पढ़ा होगा और न केवल उसको पढ़ा होगा बल्कि उसका प्रयोग भी किया होगा, लेकिन हम में से बहुत कम ही लोग ये जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का जो रिजल्ट है वो कैसे आता है, मतलब उसको प्रूफ कैसे करना है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि इसको कैसे आसानी से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो किसी राइट एंगल ट्राइंगल में इंप्लीमेंट की जाती है, जिसमें कि इसके स्टेटमेंट के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज साइड होती है ये वाली, उसका स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस उसके बेस के स्क्वायर के। इस रिजल्ट को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। मान लिया हमने कि हमारे पास एक स्क्वायर है, जिसकी साइड को मैं ले लेता हूं, ये छोटे वाली साइड को मैं ले लेता हूं इसकी को बी, और ये बड़ी वाली साइड जो है इसको मैं ले लेता हूं पी। तो जो पूरी लेंथ होगी मेरे पास साइड की वो हो गई बी प्लस पी। इसी तरीके से इधर बी और ये बड़े वाला पी, इसी तरीके से ये छोटे वाला बी और बड़े वाले को ले लेते हैं पी, और इसी तरीके से इधर ले लेते हैं बी और पी। तो दोस्तों इनको मैं पॉइंट्स का नाम दे देता हूं पी क्यू आर एस। अब ज्वाइन कर देते हैं पी को क्यू से, क्यू को आर से, आर को एस से, एस को पी से। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो स्क्वायर था मेरे पास बाहर वाला, इसको एबीसीडी नाम दे देते हैं। एबीसीडी के अंदर एक छोटा स्क्वायर बन जा रहा है पी क्यू आर एस। तो हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है उसके एंगल जो है 90 डिग्री के होते हैं, तो ये चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री के होंगे। अंदर वाली साइड जो है ये छोटे वाले स्क्वायर की, इसको मान लेते हैं एच। तो दोस्तों, अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना हो बड़े वाले स्क्वायर का, तो हम कैसे कर सकते हैं, इसको ले लेते हैं एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो अगर बाहर वाले स्क्वायर का मैं एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूं तो बराबर होगा अंदर वाले स्क्वायर के एरिया के प्लस ये जो चार ट्रायंगल्स बन रहे हैं इनके एरिया के, मतलब ये टोटल एरिया अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं इस वाले एरिया को इंक्लूड करूंगा, इसको 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 और इसको, इन चारों ट्रायंगल्स को भी इंक्लूड करूंगा। अब क्योंकि हर एक ट्रायंगल की साइड जो है वो बी और पी है, तो एरिया जो निकल के आएगा ट्रायंगल्स का वो निकल के आएगा हाफ बेस इंटू हाइट। ये एक ट्रायंगल का एरिया है और चारों का निकालने के लिए मैं इसको चार से मल्टीप्लाई कर सकता हूं प्लस अंदर वाले स्क्वायर का एरिया, इट मींस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो एबीसीडी का एरिया कितना होगा, अब एबीसीडी की साइड कितनी है बी प्लस पी, तो बी प्लस पी इंटू बी प्लस पी इक्वल्स टू 4 अपॉन टू बी पी प्लस अंदर वाले स्क्वायर की साइड जो है वो है एच, एच इंटू एच मीन्स एच स्क्वायर। तो ये क्या बन गया हमारे पास, इधर ये हमारे पास बन गया है बी प्लस पी का होल स्क्वायर, दैट इज ट्वाइस बी पी प्लस एच स्क्वायर। अब हम इसको स्क्वायर को खोल सकते हैं स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, दैट इज बी स्क्वायर प्लस 2bp प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू
ट्वाइस बीपी प्लस एच स्क्वायर, ट्वाइस बीपी से ट्वाइस बीपी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो निकल के आया रिजल्ट वो आता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। एच क्या है यहां पे, एच यहां पे इन ट्राइंगल्स का हाइपोटेन्यूज है, तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आया वो निकल के आया एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, हमारे वीडियोस को इसी तरीके से अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए ताकि उन लोगों को भी इससे बेनिफिट हो, और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।